Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and having an amazing day. It's me, Ujala Khan. If you are on my channel, so welcome to my channel and welcome to my YouTube family. So yeah guys, so basically in today's video, I'm going to share my skincare products and plus my skincare that I have been following from past 15 days. Or if you know me before this video, you might be knowing that I'm a girl who doesn't use any homemade remedies. उसने कुछ भी कभी नहीं यूज़ किया लाइक जब भी उसने कोई भी क्लींजर या क्या कहते हैं सोप्स या कोई टोनर्स वगैरह वट एवर शी यूज़ हर बार उस वो सेटिस्फाई नहीं या मेरी स्किन पर ऐसा लगता था कि मेरी स्किन डैमेज हो जाएगी ये केमिकली एंड ऑल दैट. मुझे शुरू से एक फोबिया है कि मैं कोई भी चीज़ इस तरह की अभी हाई केमिकली या आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन बर्बाद हो सकती है बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई स्किन केयर. सो या मैं कभी भी मैंने कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ किया बट इस बार बहुत बड़ा मैंने दिल अपना किया और मैंने सोचा कि ना कोई ऐसी प्रोडक्ट्स ट्राई की जाएं जो कि बाकी भी ऑफकोर्स सारी दुनिया जब यूज़ करती है देर आर सो मैनी ब्लॉगर्स देर आर सो मैनी पीपल हु आर यूजिंग स्किन केयर रूटीन वो आर फॉलोइंग इट लाइक बहुत प्रॉपर और बहुत ही हाई ब्रांड वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ गिव इट अ ट्राई. सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम मैंने ये यूज़ किया है. मेरे इन चीज़ों को लेने से पहले बेसिकली मेरी बकेट लिस्ट में दी ऑर्डिनरी की हाइड्रोलिक एसिड विटामिन सी बॉडी शॉप का और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा था मैं लूँगी पर मैं ले नहीं पा रही थी. तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी दुआ की, थैंक यू टू दुआ जिन्होंने मुझे वीडियो ये उन्होंने वीडियो बनाई डॉक्टर राशि की प्रोडक्ट्स के बारे में. तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट्स. मैं इनके पेज पर गई जब मैंने और रिव्यूज़ भी इनके देखे तो मैंने कहा यार गिव इट अ ट्राई. क्यों ना हम पहले बाहर वाले ब्रांड्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स को ट्राई करने से पहले हम पहले पाकिस्तानी ब्रांड्स ट्राई किए जाएं. सो मैंने डॉक्टर राशि के प्रोडक्ट्स मंगाए. आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो मैंने इनकी ऑलमोस्ट आई थिंक 15 दिन मुझे हो गए हैं जो मैं इनकी नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ एंड बिलीव मी गाइस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. मुझे नहीं पता मुझे लगता है लिटरली मैजिक हो गया मेरी स्किन के साथ कोई दिस वॉज फर्स्ट आई थिंक 2800 या 2700 की रुपीज़ की पड़ी थी. ये इनकी नाइट स्किन केयर आती है, ये इनका फेशियल क्लींजर आता है और ये इनका विटामिन सी आइस का क्या कहते हैं सीरम आता है. इसमें एक आता है विटामिन सी हाइड्रोलिक एसिड जो आपके फेस के लिए होता है. सॉरी फॉर दैट वो मेरे से टूट गया था 2-3 दिन पहले बट मैं करेंगे पर इनके प्रोडक्ट्स जो फुल रेंज जो मैंने मंगवाई थी वो ऑलमोस्ट सारी रेंज जो इनकी है वो विटामिन सी पर ही बेस करती हैं क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. आपकी स्किन को उसे ब्राइट नहीं करते बल्कि आपका जो स्किन कोलेजन होता है उसको प्रिपेयर करता है जो आपकी सन रेजेस की वजह से हीट की वजह से और अलग ब्लूबला ब्ला क्लींजर्स वगैरह यूज़ करने की वजह से जो स्किन आपकी डैमेज हो जाती है उनके लिए विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं उनको रिपेयर करते हैं. सो कोलेजन बेसिकली वो होता है जो आपकी स्किन के नीचे 4 लेयर्स जो होती हैं उनके बीच में कोलेजन होते हैं जो आपकी स्किन को जोड़े रखते हैं और आपको प्रिपेयर रखते हैं कोई पिंपल्स कोई रिंकल्स वगैरह नहीं आपकी स्किन में करता. सो अगर आपको कोई अच्छा विटामिन सी मिलता है लाइक बॉडी शॉप का बहुत अच्छा है दी ऑर्डिनरी का बहुत अच्छा है बट इनको बहुत एहतियात से आपने यूज़ करना है. आई एम नॉट रिकमेंड कि आप विदाउट किसी एक्सपर्ट के बगैर आप यूज़ करें. सो आप वो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना प्रिस्क्राइब करवाएं और वो यूज़ करें बहुत अच्छी उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. तो यह इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स जो थी मेरी कि मैंने विटामिन सी की मंगवाई है. ब्राइटनिंग एंटी एजिंग फेशियल क्लींजर है हमारे पास. ये 80 ml आपको इस बॉटल में मिल जाएगी. इसकी बॉटल बहुत क्यूट है और स्मेल जो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज आती है. सो या ये जो इनका क्लींजर है बेसिकली मैंने जब भी कभी ट्राई किया अगर मैंने अपनी मामा का या किसी का मैंने एक बार क्लीन एंड क्लियर कर ट्राई किया था तो इट रियली हाइड्रेटिंग डिहाइड्रेट माई स्किन लाइक वो आपकी स्किन आपको जब आप कोई भी क्लींजर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई कर जाता है और थोड़ा सा आपको रफनेस फील होती है. ऑफकोर्स आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो मैंने जब भी यूज़ किया तो आपको ना बिल्कुल भी ऐसे एक तो आपकी स्किन ऐसे कर देता है हाँ तो आपकी स्किन बिल्कुल हार्ड कर देता है और उसके अलावा वो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई कर देता है. इसको इसको यूज़ करने के बाद मेरी ना तो स्किन डिहाइड्रेट हुई है ना ही मेरी स्किन लाइक रफनेस या कोई अगर तो इससे आपकी स्किन स्मूथ होती है तो वो आपके टाइम ये यूज़ करती हूँ. सो मेक श्योर कि आप पहले एक एक बार यूज़ करें और उसके बाद फिर आप 2 टाइम करें. फिर आपकी जब ख़त्म हो रही हो बॉटल तो आप उसको हाफ क्वान्टिटी में लाएँ लेकिन थोड़ा सा लेंगे कभी एक दिन किया कभी ना किया. तो ये कभी भी आपने कोई भी मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी लाइक कोई एसिड वगैरह या कोई भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो कभी भी उसको एकदम नहीं छोड़ा करें ना ही एकदम स्टार्ट किया करें. तो मतलब आस्ता आस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली चला करें ताकि वो स्किन को आपको डैमेज ना करे क्वान्टिटी उसकी आप कम करते रहें. उसके बाद हमारे पास विटामिन सी आता है. मेरे पास वो नहीं है आई एम सॉरी फॉर दैट बट मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी. वो इसी तरह की बॉटल आती है तो इसी से बड़ी होती है हमारे पास. वो
स्क्रैप करने के बाद 5-10 मिनट्स में छोड़ देती हूँ, ठीक है जी। उसको लगाने से मुझे एक स्किन का ये फायदा हुआ कि मेरी यहाँ थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एक तो मेरा जो बट मार्क है, ब्लैक स्पॉट्स है, यू कैन से दिस लिटिल बिट एक्नी, एक्नी तो नहीं कहेंगे, हाँ ब्लैक हल्के हल्के स्पॉट्स हैं, मुझे नहीं पता एक्नी कहेंगे या नहीं। खैर 1-2-3 इधर मेरे दो स्पॉट्स हैं, उनका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगे, शायद उसकी वजह से यहाँ की नाइट स्किन केयर रूटीन से हुआ है। तो मैं वो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी स्किन एक तो हाइड्रेट होती है सुबह जब मैं उठती हूँ, रात को लगाने के बाद तो वो मेरी स्किन ड्राई नहीं हो जाती, मुझे सिर्फ मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है हल्के होती है, तो सुबह मेरा स्किन जो थी वो बिल्कुल अकड़ी भी होती थी। तो या इससे मेरी स्किन एक तो अकड़ी भी नहीं होती और डिहाइड्रेट होती है। मज़े की बात है कि जो मेरे इधर एक दो ब्लैक स्पॉट्स थे वो लाइट हुए, मतलब वो कम हुआ। तो आई होप कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेरे कम हो जाएंगे और ये चीज़ें मैं स्किन केयर रूटीन जो फॉलो करती रहूँगी। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 मंथ वाइटामिन सी आपने उसके 10 मिनट्स बाद वाइटामिन सी आपका जब स्किन हो गया तो आपने उसको ऐसे ऐसे अच्छे से आपने उसके स्किन को अंदर कर लेना इस तरह। यह आपकी हल्का सा फेशियल टाइप योगा भी होता है और उससे स्किन भी आपकी स्ट्रेच हो जाती है, इसको ऐसे ऐसे करना। उसके बाद जो मैं लगाती हूँ वो उनका मैं ये वाइटामिन सी आई सीरम लगाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मैंने इतना अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसका ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब कि ना मेरी आई डार्क सर्कल्स हल्के से ख़त्म हुए ना मेरी पफनेस ख़त्म हुई है। लेकिन आई होप सो इसके शायद लेट हमें रिजल्ट मिले, तो मैं अभी 15 दिनों में आई थिंक कुछ भी इसे नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये यूज़ करना 2-3 दिन इसे छोड़ा है, लेकिन मैं इसे यूज़ करना ट्राई करूँगी। आपने हल्का से लेना है आइस पर ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशंस पे इसे लगा लेना है, क्योंकि आपकी स्किन की जब ऐसे ऐसे करेंगे तो फिंगर्स पे आपकी तो इसे हीट होगी और ये अच्छे से आपका स्किन में ब्लेंड आउट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम वाइटामिन सी फेस क्रीम की। कंटेंट्स ये पूरी वाइटामिन सी रेंज है, तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी सी रह गई है हमारे पास, ये मैं आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ और इसकी स्मेल्स बहुत मज़े की और इसकी बॉटल बहुत क्यूट है, आई लाइक इट। सो ये इसको भी मुझे लगाते हैं, इसको वाइटामिन सी रेंज को लगाने से ही मेरी स्किन के जो ब्लैक हल्के हल्के स्पॉट्स थे वो कम हुए हैं, पिगमेंटेशन में इफेक्ट पड़ा है। अगर आप देखें तो मेरे ये लिप्स के अराउंड थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है मुझे लगता है, तो ये इट रियली लाइक उससे मेरी थोड़ी बहुत ख़त्म किया है। और मैंने अभी अगर आप लोग देख सकते हैं तो मैंने सिवाय लिपस्टिक के और हल्का से ब्रश ऑन लगाया विदाउट एनी क्या कहते हैं प्राइमर, विदाउट एनी बीबी क्रीम फाउंडेशन, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो आई एम वेरी हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट्स और मैं होप सो करूँ कि इनकी प्रोडक्ट्स आगे यूज़ करने से अलग करें कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं इनका वाइटामिन सी जो है वो मंगवाऊँ वापस। तो मैं होप सो हूँ कि मुझे अच्छा और रिजल्ट देंगी। सो या दैट्स इट अबाउट टुडे, आई होप दैट यू गाइस गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक द बटन एंड हैव दिस, टेक केयर।